बोरॉन एक मल्टीपर्पज एलिमेंट है, ये प्लांट्स के लिए क्रूशियल तो है ही, साथ ही न्यूक्लियर इंडस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और एक अजीब सा उबलक नाम के लिक्विड का मेन इंग्रेडिएंट भी है। तो व्हाट इज बोरॉन एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ बोरॉन, आइए इसको समझे जाने दुनिया 10 मिनट में। बोरैक्स जैसे बोरॉन के कंपाउंड्स को इंसानों द्वारा हजारों सालों से यूज किया जाता रहा है। बोरैक्स कुछ सॉल्ट लेक्स के इवेपोरेशन के समय नेचुरली फॉर्म होता है, पर बोरॉन को 1808 तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सका और जो एक्सट्रैक्ट हुआ था वो भी प्योर बोरॉन नहीं था। प्योर बोरॉन को 1909 तक आइसोलेट नहीं किया जा सका जब फाइनली US केमिस्ट इज़ेकियल वाइनट्रॉब ने ये कारनामा कर दिखाया। अब आइए जानते हैं बोरॉन के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स पर इसका सिंबल है B और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 2200 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ बोरॉन। बोरॉन की लिमिटेड क्वांटिटीज को स्टील की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। बोरॉन को कॉपर और एल्युमिनियम के अलॉयज की रिफाइनिंग में भी यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बोरॉन के स्मॉल अमाउंट्स को सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऐड किया जाता है उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मॉडिफाई करने के लिए। बोरिक एसिड के फॉर्म में बोरॉन का यूज प्लांट ग्रोथ में भी हो जाता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिनके बारे में हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं उनमें कंट्रोल रॉड्स होती हैं। ये कंट्रोल रॉड्स वहाँ हो रहे न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं, यानी जब यूरेनियम का रिएक्शन हो रहा होता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल ना चला जाए, एक्सप्लोजन किसी टाइप का ना हो जाए या चेर्नोबिल जैसा मेल्टडाउन ना हो जाए, उसके लिए कंट्रोल रॉड्स का मेन यूज होता है। तो इन कंट्रोल रॉड्स में भी बोरॉन का यूज होता है, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हुई बोरॉन की बात, पर और भी एलिमेंट्स हैं जिनका कुछ ना कुछ रोचक इस्तेमाल हम लोग अपनी लाइफ में करते ही हैं, जिनके बारे में आप जान सकते हैं आपकी लेफ्ट साइड वाली प्लेलिस्ट में। हमारी पॉपुलर डिफरेंस बिटवीन सीरीज के वीडियोस आपको मिलेंगे आपकी राइट साइड वाली लिंक में। तो मिलते हैं इन वीडियोस में।